टू मोल्स ऑफ सर्टेन आइडियल गैस. आइडियल गैस मतलब दिया नहीं कौन सी है, टेम्परेचर उसका दिया है, वो कूल्ड आइसोकोरिकली सो दैट प्रेशर इज रिड्यूस्ड 2 टाइम्स. हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया है, आइसोकोरिकली मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू हाफ. Then as a result of isobaric process, gas is expanding till temperature is back to its initial value. Next step है, पहले हमने constant volume पे किया, तो उसके बाद है constant pressure. Gas expands. Back to its initial temperature. Find the total amount of heat absorbed in the process. Total amount of heat absorbed बतानी है कितनी होगी. Find the total amount of heat absorbed. Question समझ आया पहले. क्वेश्चन समझ आया? अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए कहूं आपको, इसका पीवी डायग्राम बनाए, मैं पहला प्रोसेस दिया कांस्टेंट वॉल्यूम, सो लेट द वॉल्यूम बी वी वन, प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ. कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर हाफ किया तो बेसिकली एक कर्व ऐसे बनेगा. यहाँ पे टेम्परेचर पता है, दिस इज 300 कैल्विन. ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर हाफ कर दिया. उसके बाद हमें कहा कि कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को एक्सपैंड किया सर. हाँ जी, बोलो सर. जब 300 P1 से P2 का है टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा ना, P30 आ जाएगा सर. मैं अभी वो बात नहीं कर रहा, मैं अभी जो दिया है वो इन्फॉर्मेशन आपकी है कि देखो इन्फॉर्मेशन दी थी पहले कि पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर को हाफ किया, फिर गैस को एक्सपैंड किया सो दैट सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट. अभी सिर्फ ये किया मैंने. इतना ठीक है सबको? ग्राफ समझ आ रहा है कैसे बनाया? यस यस ठीक है. हमें दिया, अगर मैं पॉइंट्स मार्क करूं कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, मतलब यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर TA लेता हूँ, से यहाँ पे टेम्परेचर TB, हमें दिया TA और TC इक्वल है. अब बीच में एक स्टेट है B है, ए और बी पे वॉल्यूम सेम है,
और इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है। सो पहले अगर सिर्फ हम ए टू बी लें, अगर ए टू बी गैस आ रही है तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर डी, यहाँ ये कांस्टेंट, ये जो प्रोसेस है दिस इज आइसोकोरिक, ए टू बी इज आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये लुसेक लॉ क्या था, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, तो मतलब अगर प्रेशर हाफ हो गया, इफ पी बी इज पी ए बाय टू, तो मैं कह सकता हूँ टी बी इज टी ए बाय टू। और फिर उसके बाद गैस को एक्सपैंड किया सो दैट सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल टेम्परेचर, उसके बाद प्रोसेस है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ क्या था, द प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर फ्रॉम बी टू सी, पी इज कांस्टेंट इट मींस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, बी से सी तक यहां पे टेंपरेचर कितना आ रहा है 150, तो टेम्परेचर डबल हो गया तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, इंप्लाइज बी सी इज ट्वाइस ऑफ वी बी, ये जो वी वन है दिस इज बेसिकली वॉल्यूम एट ए प्लस वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम एट बी, दिस इज बी सी, तो बी सी डबल ही होगा, बी से सी जाने में अगर टेम्परेचर डबल हो गया तो वॉल्यूम भी डबल हो गया, हीट एब्जॉर्ब बतानी है कितनी है, दो प्रोसेसेस हैं। अगर मैं ए टू बी की बात करूं पहले, ए टू बी आइसोकोरिक है तो वर्क डन जीरो, ठीक है, बिकॉज एरिया अंडर द ग्राफ जीरो आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा क्यू ए बी डेल्टा यू ए बी, और अगर मैं लेता हूं बी से सी, वर्क डन बी टू सी कितना होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ कितना है, यही बनेगा, जस्ट प्रेशर है पी बी, ये वाला प्रेशर, एंड वॉल्यूम बी सी माइनस बी बी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पी बी बी बी, पी बी 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 की वैल्यू कितनी होगी, पी बी 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 कैन बी रिटन एज पी ए बी ए बाय टू, एंड पी ए बी इज ये बैठो, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 2, टेम्परेचर भी दिया 300, तो आपका ये वर्क डन टू मूव फ्रॉम बी टू सी आ जाएगा, ठीक है इतना, यस सर। अब दो मेथड, या तो आप हीट एनर्जी अब्सॉर्ब निकाल लो, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब निकालनी है तो डेल्टा यू निकालना पड़ेगा, डेल्टा यू इसमें कैसे निकलेगा, डेल्टा यू इज एन सी बी डेल्टा टी, अगर मेरे को बता दें डेल्टा यू बी सी कितना है, दिस इज एन सी बी डेल्टा टी,
डेल्टा डी कितना एन सी वी टीसी माइनस टीवी मींस यह हमें पता है टीसी इज 300 एंड टीवी इज 150 एनसीवी का क्या करें बिकॉज हमें नेचर ऑफ गैस नहीं दिया तो सीवी का क्या करें अगर हमें नेचर ऑफ गैस नहीं पता तो कुछ हो सकता है डेल्टा यू तो बिकॉज हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बतानी है तो डेल्टा यू तो चाहिए ना बट सर ओवरऑल प्रोसेस का तो डेल्टा यू जीरो ही होगा क्योंकि टेंपरेचर फाइनली उसी इनिशियल वैल्यू पे होगा आपको अगर सेकेंड प्रोसेस में हीट एनर्जी अब्सॉर्ब निकालनी है कैसे निकालोगे फिर माइनस एन सी वी 150 तो टोटल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कितनी हो गई डेल्टा क्यू इज डेल्टा क्यू ए बी प्लस डेल्टा क्यू बी सी डेल्टा क्यू ए बी इज माइनस एन सी वी इंटू 150 प्लस एन आर टी ए बाय 2 प्लस एन आर टी ए बाय 2 हो गया सॉल्व बिकॉज एन पता है आर पता है टी ए पता है समझ आया कैसे किया देख लो एक बार यस सर अगर मैं इसको ऐसे माना अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं ऐसे बना तो ये सी से ए में हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी इवॉल्व होगी सी से ए में विल द हीट एनर्जी बी अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम और इवॉल्व बाय द सिस्टम सी से वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है डेल्टा यू कितना है सी से Calculate the value of gamma for a gaseous mixture consisting of 2 moles of oxygen, 3 moles of carbon dioxide. ये mains का question है वैसे advance में नहीं आते ऐसे question फालतू के कैसे करेंगे? अगर दो gases को mix कर दिया
then I have a number of gases on X. Total change in internal energy. Sum of change in internal energy of individual gases. Gaseous mixture. Do we gases? Say CV for mixtures. CP for mixtures similarly. ये तीनों फॉर्मूले याद ही रख लो. तो ये तीन फॉर्मूले लग जाते हैं जब भी गैसेस को मिक्स करेंगे. CV फॉर्म एक्स्ट्रा बताना है तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2. अब इस क्वेश्चन में देखो टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, N1 पता है ऑक्सीजन के लिए गामा कितना होगा, CV कितना होगा ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन इज डायटोमिक तो CV फॉर ऑक्सीजन फाइव बाई टू. थ्री मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CV कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है, ट्राइटॉमिक लीनियर ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राइटॉमिक लीनियर है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने, सेवन या सिक्स, बिकॉज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हैं इसमें, कोऑर्डिनेट्स आर नाइन, रिलेशंस आर टू सो सेवन, तो सीवी की वैल्यू सेवन बाई टू आर. हमें सीवी पता है दोनों के लिए, या अगर हम गामा की बात करें ऑक्सीजन के लिए, अगर हम लें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सीवी की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए इट्स फाइव बाई टू आर, इसके लिए सेवन बाई टू आर. सीपी की वैल्यू सेवन बाई टू आर एंड नाइन बाई टू. गामा की वैल्यू इसके लिए सेवन बाई फाइव और इसके लिए नाइन बाई सेवन. तो ये वैल्यूज अगर मैं इधर पुट कर दूंगा तो तीनों वैल्यूज निकाल सकते हो आप कि सी वी कितना है, सी पी कितना है और गामा फॉर मिक्सचर कितना है. एन वन एन टू हमें बताइए हो जाएगा. यस यस अब देखो ये सिमिलर क्वेश्चन आ गया. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीवी और सीपी पर मिक्सचर बतानी है. 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 20 ग्राम ऑफ आर्गन, 20 ग्राम ऑफ आर्गन इज हाउ मेनी मोल्स, आर्गन का मास नंबर 40, मोनोटॉमिक है डायटॉमिक है ट्राइटॉमिक है, आर्गन नोबल गैस है मोनोटॉमिक है और मास नंबर होता है 40, तो 20 ग्राम मतलब कितने मोल्स, हाफ, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है आर्गन के,
नाइट्रोजन इज डायटॉमिक, नाइट्रोजन का मोलर मास 14, N2 का 28, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है। अब हो गया सॉल्व, अब देखो अब कौन सी रॉकेट साइंस आएगी। हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है नाइट्रोजन के बंदा है, तो नाइट्रोजन के लिए हमने बताना है व्हाट इज द CVCP, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है नाइट्रोजन के लिए। डायटॉमिक है 7/2 आर। दूसरी गैस है आर्गन, आर्गन के नंबर ऑफ मोल्स है हाँ, और सीवी कितना होगा मोनोटॉमिक है तो 3/2 आर। हमने बताना है कि मिक्सचर के लिए क्या होगा, मिक्सचर के लिए सीवी कितना हो जाएगा 3/2 और मिक्सचर का मोलर मास निकालना आता है सबको, केमिस्ट्री पढ़ी है ना। मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, एम इज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोल कंसेप्ट पढ़ा है, जल्दी से बताओ मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा इसमें। हमें सारी वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट करना था बस। क्लियर? यस सर। यस सर। One mole of certain ideal gas is contained under a weightless piston of vertical cylinder at temperature T. Space over the piston opens into the atmosphere. What work has to be performed to increase isothermally the gas volume under piston N times slowly by raising the piston? Friction of piston against cylinder walls is negligibly small. बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको स्लोली एक्सपैंड करना है आइसोथर्मली, सो दैट वॉल्यूम इंक्रीजेस एन टाइम्स, मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम वी टू एन टाइम्स वी आइसोथर्मली। तो वर्क डन कितना होगा, फ्रिक्शन हमें क्या है नहीं लेनी, कैसे करें, कैसे करें इसको सॉल्व। सर वर्क डन इन आइसोथर्मल का फॉर्मूला करो, लेट्स सी क्या होता है, ध्यान से करना, थोड़ा सा गलती के चांस बहुत है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या था,
ये फॉर्मूला था एनआरटी लॉग वी टू बाय वी वन, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए फर्स्ट वर्ड में, वी टू इज एन टाइम्स वी वन, दिस इज वर्क डन बाय द गैस. अब ये क्यों दिया था, हमें ये भी निकालना पड़ेगा. वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P not into V into N minus 1, and P not V not is RT not, yeah RT, this becomes, so total work done kitna aa gaya. माइनस लॉग इन प्लस लॉग इन, ध्यान से देख लेना. ध्यान से देखना क्या किया. वो अब हम की इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नेगेटिव ही होएगा ना, तो क्यों एक्सपेंड. क्वेश्चन आंसर, व्हाट वर्क हैज टू बी परफॉर्म्ड, तो दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट वर्क हैज टू बी परफॉर्म्ड. दोनों वर्क डन को मैं ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, ध्यान से देख लो. पर ऐड ही करेंगे, बट जो वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक्सपैंड हो रही है. यस, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपैंड हो रही है, तो वर्क डन आप किसका निकाल रहे हो पहले तो ये देखो, एक्सटर्नल एजेंट का निकाल रहे हो या आप वर्क डन बाय द गैस निकाल रहे हो, बिकॉज इम्पोर्टेंट है ना वर्क किसका निकाल रहे हैं आप. बाय द गैस, अगर बाय द गैस निकालेंगे तो क्या करेंगे फिर, बाय द गैस तो सर ऊपर वाले में निकाल ही दिया ना वो आर टी एल एन और एन, तो इसलिए नेगेटिव ले रहा हूँ मैं. नेक्स्ट देखो, आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, तो एक गैस का वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, बिकॉज इट अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, तो अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालोगे तो ऑपोजिट होगा, बिकॉज प्रेशर ऊपर से नीचे लग रहा है और गैस एक्सपैंड कर रही है, ये तो प्रेशर इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और ये जा ऊपर है पिस्टन, तो नेगेटिव वर्क होना चाहिए ना. अच्छा, तो वर्क डन पिस्टन कैन फ्रीली मूव इनसाइड अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर क्लोज्ड फ्रॉम बोथ एंड्स. इनिशियली द पिस्टन सेपरेट इनसाइड स्पेस ऑफ सिलेंडर इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम वी नॉट इन विच आइडियल गैसेस कंटेन्ड अंडर सेम प्रेशर पी नॉट एंड सेम टेम्परेचर टी नॉट. What work has to be performed in order to increase isothermally volume of one part of the gas eta times compared to that of the other by slowly moving the piston. तो हमें दिया piston can freely move inside a horizontal cylinder. हमारे पास ऐसे cylinder दिया. Closed from both ends.
और इसके अंदर एक फ्रीली मूवेबल पिस्टन। हमें इनिशियली दिया दोनों का वॉल्यूम वी नॉट है, इसमें मान लो प्रेशर पी नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट है, इधर भी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है। उसके बाद हमें दिया व्हाट वर्क हैज टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट ईटा टाइम्स। इस पिस्टन को हमने मूव करना है, वर्क परफॉर्म बताना है आइसोथर्मली, सो दैट फाइनल जो स्टेज बनी वो ऐसे बनी। इस साइड का वॉल्यूम हो गया वी वन, से यहाँ इस साइड का वी टू, इस साइड का ईटा वी टू। हमें दिया वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट ऑफ अ गैस इज ईटा टाइम्स कंपेयर्ड टू द अदर बाय स्लोली मूविंग द पिस्टन, तो वर्क डन कितना होगा। कैसे कह रहे सर? आप ऐसे देखो सर, इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट करनी है। पहले पहले एक कंसेप्ट देखो, इसका वॉल्यूम वी नॉट, इसका वॉल्यूम वी, ये एक्सपैंड कर रहा है, इसका वॉल्यूम अगर है वी नॉट प्लस वी, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा वी टू इज वी नॉट माइनस वी। ये स्टेप ठीक है, जितना एक साइड का वॉल्यूम बढ़ेगा दूसरे साइड का उतना ही कम होगा। और फिर हमारे को दिया वी वन इटा टाइम्स वी टू, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी नॉट प्लस वी इज इक्वल्स टू इटा टाइम्स वी नॉट माइनस वी। तो यहाँ से मैं वी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम? तो हमें चेंज इन वॉल्यूम पता चल गया एक कंटेनर में कितना। आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फिर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अगर मैं लेफ्ट साइड वाले कंटेनर को देखूं तो फाइनल वॉल्यूम कितना है और इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट, तो दिस कैन बी रिटन एज log 1 plus v by v naught। v by v naught किसके इक्वल है? एकदम संदेह का यही आएगा वर्क डन। यस। अच्छा अगर मैं राइट साइड की बात करता तो सिर्फ यहाँ पे आ जाता वी नॉट माइनस वी अपॉन वी नॉट, यहाँ पे माइनस साइन आ जाता, रिजल्ट थोड़ा सा बदल जाता। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड लेता
So right chamber. We can say work done is. और वी बाय वी नॉट की वैल्यू सो दिस कम्स आउट टू बी टू अपॉन एटा प्लस वन टोटल वर्क डन निकालना है तो ऐड कर तो हो गया खत्म डब्ल्यू वन हाँ जी तेरे सर ने अभी पहले क्वेश्चन किया था इसमें नंबर ऑफ मूव्स इक्वेट कर तो उससे तो उसको भी वेरिएबल तो इक्वेट हो पर इसमें तो सीधा फॉर्मूला ही लग जाना ना नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट करने की जरूरत नहीं बिकॉज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस पूछा है तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का दो वाली फॉर्मूला ही लगना है राइट चैम्बर लेफ्ट चैम्बर पे आया समझे सबको कैसे किया मैंने log to the base n लिया ना 2.303 लेते हैं तो log to the base 10 लिया होता है तो मैं तो ln लिख रहा हूँ मैं log लिख ही नहीं रहा मतलब मैं natural log में ही solve कर रहा हूँ उसको वो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एरर के ज़्यादा आंसर नेचुरल लॉग में दिए होंगे पीछे मैंने लॉग टू द बेस 10 लिया नहीं होता नेचुरल लॉग में ही आंसर दे देते हैं वो तो इसलिए 2.303 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 2.303 से हम जनरली मल्टीप्लाई करते हैं जब आपको आंसर निकालना होता है बिकॉज जो बुक के पीछे लॉग टेबल होता है वो लॉग टू द बेस 10 का होता है तो अगर आपको वैल्यूज चेक करनी है जैसे लॉग 15 की तो वो बुक के पीछे लॉग 15 लॉग टू द बेस 10 वाला होता है नेचुरल लॉग का टेबल नहीं होता बुक के पीछे इसलिए हम उसको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं वैल्यूज के साथ तो हम उसको चेंज कर लेते हैं लॉग टू द बेस 10 जैसे आपने लॉग 2 की वैल्यू पढ़ी तो लॉग 2 की वैल्यू आपने क्या पढ़ी है 0.3010 जो बुक के पीछे दी है पर लॉग टू द बेस 2 अगर नेचुरल लॉग लोगे तो 0.693 तो वो 2.303 से मल्टीप्लाई करके आता है कि 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 आया समझिए यस सर यस सर मोल्स ऑफ आइडियल गैस इनिशियली एट टेम्परेचर 273 वेयर आइसोथर्मली एक्सपैंडेड 5 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम वर्क डन निकलेगा फाइनल वॉल्यूम इज 5 टाइम इनिशियल वॉल्यूम तो वर्क डन कितना हो जाएगा 3RT0 log 5 अगर मैं सिर्फ वर्क डन नहीं पूछूं तो फर्स्ट प्रोसेस में वर्क डन यही आना है बिकॉज 5 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ा है